कामी, ओए कामी, यहां क्या कर रहा है पुत्री? नाश्ता लेकर आया हूं मियां जी, पावा जबान की बोटी और तेलों वाले कुलचे। ले दस। हाँ सुनो मियां जी, नाश्ता करो। मैं पहले यहां बड़ी तकलीफ में हूं। चल फुट, तकलीफ दूर कर अपनी, नहीं करना मैंने नाश्ता। नाश्ता नहीं करोगे तो फिर आपको पता नहीं मैं क्या करूंगा। क्या करोगे बताऊं या करके दिखाऊं? ये जो सामने बंदूक पकड़ कर पहरा दे रहा है ना, इस पर भी बड़ा गुस्सा है मुझे। ठहर कामी, जबान रोक अपनी, बोल किसी को नाश्ता अंदर पहुंचाए। सलाम माई बाप, किसी को कह के नाश्ता अंदर भिजवा। मैं नाश्ता कर लूं तो जाकर उसको भी नाश्ता करा दे रहा, कुछ नहीं खाया होगा उसने। किसने? बड़ी पैकर ने, और किसने? उसका नाम ना ले मियां जी। क्यों ना लूं? है क्या किया उसने? कल भी उसका नाम लेके बड़ी बदतमीजी की है तूने। मैं समझा ताने दे रहा है कि उसके होते हुए मैं हवालात में बैठा हूं। उसके होते हुए नहीं मियां जी, उसकी वजह से हवालात में बैठे हो आप। असल कहानी का तो आपको पता ही नहीं है। जब आप बाहर आएंगे तो उस कमीने को सामने बैठा के सुनाऊंगा और बताऊंगा। ये है आपका झूठा परी पैकर, ना जाने मन ना जाने जिगर, और नाम परी पैकर। नाश्ता? नाश्ता नहीं चाहिए मियां जी, ने गिरफ्तारी दे दी है, हवालात में बैठे हैं। पता चले कि उन्होंने नाश्ता कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। उन्होंने नाश्ता कर लिया है
किसने बताया? जिसने नाश्ता दिया था, सुबह 500 उधार लेके गया था मुझसे। कौन? कामी। कहाँ है वो? और तुमसे 500 उधार लिया उसने? मैं कोई गैर हूँ भरी पैकर। तू उधार देकर अपनी ना बन। और लानत ऐसे मर्द पे जो जनानी से उधार लेकर मियाँ जी को नाश्ता कराए। तुम दोनों में लड़ाई क्या है? आए तो 1500 और देना और बिठा के पूछना कि परी पैकर का कसूर क्या है। ये लो। ये क्या है? उधार देने के लिए पैसे दे रहा हूं। अब मांगे तो अपनी जेब से ना देना, आदत खराब हो जाएगी उसकी। चाय? बहुत गुस्सा आ रहा। सोचो जरा, वो तो किसी का हक मारने पर इतना गुस्सा कर लेता है कि मानता नहीं। फिर किसी की जान लोगे तो कैसे मानेगा? बस यही एक वीक पॉइंट है इस केस में, और यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? हम अदालत के सामने ये साबित करेंगे कि मरने वाला इंसान नहीं था। जकी अहमद ने अगर सचमुच एसपी का खून किया है, जूनी का खून करवाया है, और उसके कहने पर दादू टैक्सी वाले का मर्डर हुआ है, तो वो इंसानियत के रुतबे से नीचे गिर गया था। मतलब किसी पागल कुत्ते को या फिर आदम खोर दरिंदे को मारने में गुनाह कम और सवाब ज्यादा होता है। मैं अभी भी नहीं समझी। बस इतना समझ लो कि सवाब के किसी काम में सजा नहीं मिलती। लेकिन हमारे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है जलाली अंकल। चाय पियो, नाश्ता करो और आंखें बंद करके ये मान लो कि जब किसी का कत्ल होता है तो आसपास कहीं उसका सबूत जरूर होता है। थैंक यू। मेंशन नॉट। कितनी देर रही वो यहां? ये कोई 4-5 घंटे। 4-5 घंटे? फिर तो बड़ी बातें हुई होंगी। बातें कम हुई हैं। आया तो यहां सो रही थी, मैं समझा काम ही है, जगाया तो पता चला लुबना उम्मीद है। हाय मेरे खुदा, क्या हुआ? कुछ नहीं, पूछा तो होगा कि क्यों आई हो। ये बात मैं पूछ सकता हूँ? फिर खुद ही बता दिया कि गिरफ्तारी देने आई हूँ। फिर क्या? मैंने कहा चल लुबना उम्मीद, दिमाग चेक करा अपना। तुम भी अपना दिमाग चेक कराओ परी पैकर। जब वो खुद कह रही थी तो कर लेते गिरफ्तार। परी पैकर, परी पैकर। दे 50। किस बात का 50? तेरे लिए खत ले गया हूँ। पूरा 100? हाँ पूरा 100। तो ये ले। सलाम परी पैकर।
जब तक तुम्हें खत मिलेगा तुम्हारी गलियों में बस मेरा जिक्र बाकी रह जाएगा। कोई घर पर लगे ताली को देखकर कहेगा यहां दुबा रहती थी। कोई साल दो साल बाद मियाँ जी से पूछेगा तुबा कहाँ गई मियाँ जी, या फिर तुम जब लुकमा हमीद से शादी करोगे तो कोई मनचली तुम्हें देखकर कहेगी पहले तुबा से मंगनी थी इसकी। ऐसे वक्त में जा रही हूँ कि मियाँ जी जेल में है और तुम्हें आजाद कर दिया है मैंने, लेकिन तुम आजाद मत रहना, लुकमा हमीद की कैद में रहोगे तो सुधर जाओगे। ये नहीं कहूंगी कि भूल जाना मुझे, पर ये जरूर कहूंगी कि शादी लुकमा हमीद से करना। लुकमा हमीद से शादी करोगे तो मैं बेवजह याद आती रहूंगी तुम्हें, तो बस मेरे लिए यही काफी है कि मैं तुम्हें याद आती रहूं। फकत तू बस ले। किसका खत है बड़ी पैकर? सलाम परी बहकर। जान खुदा मेरमा तेरे से जान मन जान जिगर परी बहकर। चली गई। देखो गम ना करो परी पैकर, तुम्हारी ट्रायंगल से किसी एक को तो जाना ही था ना। लुबना हमीद की कसम मुझे गम है कि तूबा चली गई, लेकिन अगर लुबना हमीद चली गई तो गम से मर जाओगे तुम। तो ऐसे गम से ज्यादा डरो जिसमें मर जाने का डर हो। फिर उसने खोल के देखा तो वो सचमुच तावीज नहीं था। क्या? अब्बा जी ने तमाम सवालों का एक जवाब लिख दिया था। लिखा था, मेहनत करो, अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाओगे। मिल गया, अब दुआ करो कि मैं केस जीत जाऊं।
अदालत जाते हुए हमेशा अम्मी जी से कहा करता था, अम्मी जी दुआ करें। वो करती थी दुआ। पहले 16 केसों तक वो जिंदा रही और 15 में जीत गया। तो एक में दुआ नहीं की? दुआ तो की मगर लगी नहीं। ये कैसे हो सकता? उस दिन मैं भी तुम्हारी तरह परेशान था। कोर्ट से वापस आया तो खाना भी नहीं खाया। पूछने लगी खाना क्यों नहीं खाते। मैंने कहा केस हार गया हूं अम्मी जान, आप भूल गई और आपने दुआ नहीं की। तो कहने लगी दुआ तो की थी जलाली, लगी नहीं होगी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है अम्मी जान। तो हंसकर कहने लगी तुम्हारा क्लाइंट झूठा होगा बेटा। ये क्लाइंट झूठा नहीं है जलाली अंकल। यस आई नो। ले चलो इसे। ये सारा प्रोटोकॉल मेरे लिए? अभी तो दो गाड़ियां बाहर भी खड़ी हैं। क्यों पुत्री, मैंने कोई नस जड़ा? मिनिस्टर का खून किया आपने, किसी गंगू तेली को नहीं मारा मियां जी। चलो फिर। आराम से भाई, आराम से। मैंने कोई हवा में नहीं उड़ जाना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नान जल्दी करो, तुम्हारी बस आने वाली है और आपने आज अगर दूध फिनिश नहीं किया ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। जल्दी करो। सुनो। जी बीबी जी। ये मुझे देना। अजात, ये क्या है? तुम सारी रात सिगरेट पीते रहे हो? स्टॉप इट आर्फ। नाश्ता करो बेटा। मेहमान आपकी वैन आ गई। बाय पापा। बाय बाय। बाय पापा। बाय बाय बेटा। बैग बैग बैग, जल्दी करो जल्दी करो। Good girl, good girl. Have a good day, Mom. Yeah, have a good day. थोड़ा अपसेट हूँ मैं। जानता हूं कि जकी अहमद कोई अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन खून हुआ है उसका और पुलिस की ड्यूटी है कि वो कातिल को पकड़े, तफ्तीश करे, और तफ्तीश में तो कुछ भी होता है। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस उसने बदतमीजी की तो मुझे गुस्सा आ गया। 82 साल का बुड्ढा और बोलता ऐसे जैसे पुलिस वालों का बाप हो। मुझे शट अप कह दिया सबके सामने। फिर मैंने गुस्से में छड़ी मार दी उसे।
میاں جی وارث علی کو؟ عارفہ خدا تمہیں معاف کرے. تم سے ایک ریکویسٹ ہے میری, میری ڈیوٹی کے معاملات میں مت بولا کرو. میں اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلٹ میں چلا جاتا ہوں, ورنہ ایک منسٹر کے قاتل کو چھڑی مار دینا کوئی بڑی بات نہیں. اور قاتل بھی ایسا جو ایس پی کے منہ پہ بول دے. یو شٹ اپ. اچھا تو تم نے انہیں پہلے شٹ اپ بھی کہا, میں تمہیں کیا کہوں وجاہت مرزا. یو بیٹر اسٹارٹ اسموکنگ, یو نیڈ اٹ ناؤ. Good morning, Mr. Varas Ali. Good morning. Hope you are all right. Oh yes, all right. Tum sunao, taiyari kaisi hai? Aaj kaisi taiyari? Aaj to bas police remand mangegi aur hum puchhenge kyun mangte ho? Hato. Hat jayega. Mulaqat hi hai. Tu duty sambhal. میں کھبے پاس سے نکل گیا تو کیا ہوگا, تو بھی ہٹ جا پتری. کارے سرکار میں مداخلت نہیں کرتے. چلو جی. دیکھو مائی باپ, یہ اپنے میاں جی وارث علی ہیں, ادب لحاظ سے بات کرنا ان کے ساتھ, غلطی سے بھی کوئی بدتمیزی نہ کرنا, بلانا ہو تو میاں جی کہنا, نام نہ لینا پلیز. میں بڑا قانون پسند آدمی ہوں پر ان باتوں پر مجھے غصہ آ جاتا ہے. چل ہٹو ہے, آؤ جی جلالی صاحب. تو کون ہے میرے بادشاہ؟ جا شاباشے, ایمی کاروائیاں نہ ڈال. میاں جی کہہ کے گئے ہیں کارے سرکار میں مداخلت نہیں کرتے. سے بات کر, بتا مجھے کس بات کا غصہ ہے.
कचहरी के अंदर। तेरी ऐसी की तैसी। क्या कहते हैं यार, ड्रामे ना कर, मस्तियां करता हुआ लगता है तू परी पैकर। नहीं है तू परी पैकर, किसी अच्छी नस्ल का चूहा है तू।